और ये फ्लो आउटबाउंड मेंटरिंग सेल जो अहमदाबाद चैप्टर का एक विंग है, मैं उसकी चेयरपर्सन हूँ और मुझे खुशी है आप सबको स्वागत करते हुए। और आज हमारे साथ जो स्पीकर हैं वो बहुत ही जानी मानी एक इमेज कंसल्टेंट है, अहमदाबाद से हैं और मुझे उनके परिचय देने में बहुत खुशी हो रही है। सो शी इज एन इमेज कंसल्टेंट और लाइफ कोच है और करंटली वो सेक्रेटरी है IMPA, IMPA's Image Management Professionals Association अहमदाबाद के, एंड वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है उन्होंने और अलग अलग फील्ड से उन्होंने महारत हासिल की है, एजुकेशन हो, फाइनेंस हो, काउंसलिंग हो, शी इज गुड एट एवरीथिंग एंड प्रोफेशनली एनेबल्स क्लाइंट्स टू बेटर मैनेज देयर अपीयरेंस। सबका इमेज यानी कि वो ब्रांड क्रिएट करने के लिए पहला सेशन अगर मैं कहूँ वो कहीं ना कहीं पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर था, राइट। सो हमारा जो इमेज है लोगों के प्रति उसको और बेहतरीन कैसे करना किया जाए उसके लिए शी इज अ प्रोफेशनल फॉर दैट एंड शी इज बिहेवियर नो बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोफेशनल टू एंड शी लिव्स बाय द फिलॉसफी दैट लाइफ इज अ जर्नी वेयर वन स्ट्राइव्स टू कंटिन्यूसली लर्न, यानी कि लर्न करना, ग्रो करना, इवॉल्व करना और कंपैशन और ग्रैटिट्यूड यानी कि जो एक हमको जो धन्यवाद, आई डोंट नो द एग्जैक्टली हिंदी वर्ड ऑफ इट, पर कृतज्ञता, ओके, सो दैट हैज टू बी देयर, हमारे अंदर वो होना चाहिए। तो और करंटली योगिता जी जो हैं वो वुमेन स्टार्टअप इंक्यूबेशन प्रोग्राम है IIM बैंगलोर उनके एक मेंबर भी हैं एंड मैं ज़्यादा टाइम अब इनके परिचय में नहीं निकालूंगी बिकॉज शी इज अ वंडरफुल ह्यूमन बींग, आई हैव नोन हर फॉर कपल ऑफ ईयर्स नाउ एंड मुझे उनको यहाँ स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। बिफोर आई हैंड ओवर द फ्लोर टू यू योगिता, आई वेलकम निशा मैम हियर एंड वी हैव ITI बागोदिया, ITI दशरथ एंड ITI महिला गोरवा also joining us. So, आप सभी को स्वागत करना चाहती हूँ। मुझे एक क्वेश्चन सबसे कि अपने आप अपना म्यूट रखिएगा अपना माइक को ताकि हम डिस्टर्ब ना हो। हम लेट मी जस्ट ओके सो दैट लेकिन हम सबको अच्छी तरह सीखने के लिए मिले क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस होती है ना कहीं हम एक कट ऑफ हो जाते हैं, हम क्या सुन रहे हैं वो पता नहीं चलता। तो अब मैं I request everyone. I can see कुछ boys भी हैं यहाँ join हुए। मेरे ख्याल से boys के लिए हम लोग दोपहर का बाद का sessions रखे हैं। हमने girls के लिए ये वाला session रखा है क्योंकि कोई बात नहीं, आप join हुए तो दो बार सीख लीजिएगा, there's no problem। दोपहर में भी join हो जाए वापस। Thank you Nisha ji for joining, Amit sir for joining and I don't know who all are there. Any other faculty members or somebody from other ITIs, मैं सभी को स्वागत करती हूँ। Thank you so much and I would also like to welcome my colleagues and my friends from Flow, their family members, Flow Ahmedabad के ही हमारे chapter members मैं देख पा रही हूँ यहाँ निम्रत जी हैं, I can see निम्रत जी here, anyone else I'm not, I can't find anyone else, सभी को स्वागत वापस, योगिता over to you now, the floor is yours because we have already taken 10 minutes of yours so you'll have to again you know extend it a little bit, so over to you Yogita. bahut bahut dhanyawad Sarita ji, aapne aaj to mera bahut dil khush kar diya, aaj mera din ban gaya, aapne itni acche se mera introduction diya hai, aap sabko swagat hai aur sabse pehle main bolungi aapko ki sab aap sab aaram se abhi baithiyega, सब काम छोड़ दीजिएगा क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सबको मालूम है आज का टॉपिक है लक्ष्य, तो हम अभी स्टार्ट करेंगे। जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी, आप तब तक 2-3 मिनट लगाइए, अपने पास एक पेपर पेन या बुक जिसमें आप लिख सके, तो आप ये नोट्स जरूर आज बनाना ताकि आपको ये आगे बहुत ज्यादा काम आएगा। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं,
दस दो तीन मिनट में आपको दे रही हूँ कि आप एकदम सेटल हो जाइए, ध्यान से सुनिए और समझिए, और फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। मैं तब तक शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। योगिता मैम ने कहा आप पेपर पेन सब लेके रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, तो फटाफट जल्दी से जल्दी जाके भाग के लेके आके बैठ जाएगा। मत दिया जी ना सेटल हो गए, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। अक्षय सॉरी टू इंटरप्ट, अक्षय राठवा आप
हाथ रेज किए, कुछ पूछना है आपको या कुछ कहना है? अक्षय राठवा आपने हाथ रेज किया है, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? आई होप नॉट. ठीक है योगिता, यू मे कंटिन्यू. योगिता जी आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, इट्स नॉट वेरी क्लियर. नहीं नहीं मैम कुछ नहीं, मैंने ऐसे ही खाली हैंड के सेकंड के आई एम हियर. सो यू मे टेक इट डाउन. सरिता मैम कैन यू फेवर मी, लाइक आप सभी को म्यूट कर दीजिए जस्ट फॉर आप और मैम योगिता मैम का ही कैमरा और सॉरी स्पीकर ऑन रहेगा तो बेटर रहेगा, बिकॉज डिस्टर्बेंस बैक साइड से ही आ रहा है. जरूरी नहीं है कि योगिता मैम से की तरफ से ही हो, क्योंकि इंटरनली अगर म्यूट होगा अनम्यूट नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगा. यस आपको जो भी क्वेश्चंस करना है, जो भी कमेंट्स करनी है आप मैसेज में कीजिए, डोंट टर्न ऑन योर स्पीकर प्लीज. यस कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप या तो चैट में लिखिए या अपना हैंड रेज करिएगा. सरिता जी ध्यान रखेंगी कि कोई भी क्वेश्चन है आपकी तरफ से तो वो पूछ देंगी, या फिर आप अपना हैंड रेज करके रखिएगा, हम लास्ट में उनके क्वेश्चन लेंगे. या बीच में भी आपको लगे कि कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप जरूर उसको हैंड रेज करके पूछ सकते हैं या फिर चैट में लिख दीजिए. राइट यस थैंक यू. अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम सब सपने देखते हैं, राइट? तो सपनों की क्या खूबसूरती है कि जब वो हम उनको हासिल कर सके वो एक बहुत ही हमको खुशी देती है वो बात. सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी. इसमें ऐसा है कि आपने शायद पढ़ा हो किसी ने, एक स्टोरी है एलिस इन वंडरलैंड. अब एक लड़की है एलिस, वो मस्ती से एक राह पे चल रही है और उसको बहुत मजा आ रहा है. अब क्या होता है, एक जगह पे आके वो रुक जाती है. क्यों रुकती है? अब उसको आगे दो राहें दिख रही हैं. वो सोचती है कि अब मैं राइट में जाऊं या लेफ्ट में जाऊं, कौन सी राह में जाऊं. तो वहां पे खड़ी खड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी राह में जाऊं. मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? या इट इज विजिबल, इवन नाउ योर वॉइस इज आल्सो क्लियर, अर्लियर इट वाज नॉट. या नाउ इट्स बेटर. जस्ट अ सेकंड, मेरे लिए स्क्रीन विजिबल नहीं है अभी, सॉरी. आपको वो दिख रहा है क्या जो मैंने कोट लिखा है वहां पे? Yeah, that you have, yeah, I can see that immersive online experiences are on Zoom. No, that is not the thing. So, yeah. Wait. Go back. Wapas jayega. Stop sharing. You want to, are you going to share it, the online video? No, now is this visible? Now it's visible. Right. So this is the one. So, अब एलिस एक रास्ते पे खड़ी है, दो राहें पे खड़ी है, उसको समझ नहीं आ रहा वो कहाँ जाए. वो बहुत कंफ्यूज हो जाती है. तो वहां से एक बिल्ली जा रही होती है. अब वो बिल्ली से पूछती है कि बिल्ली रानी बताओ मैं कौन से रास्ते पे जाऊं. तो बिल्ली उससे पूछती है आपको कहाँ जाना है. तो वो बोलती है मैंने सोचा नहीं, कहीं पे भी चली जाऊंगी. तो बिल्ली बोलती है तो फिर क्या फर्क पड़ता है, कोई भी राह पकड़ लो, कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगी. इससे हमें दो सीख मिलती है. अगर हमारा रास्ता हमने, हमारा लक्ष्य हमने नहीं चुना है तो हम कहीं ना कहीं तो उस राह पे चलते हुए पहुंच जाएंगे. पर क्या वो लक्ष्य होगा, क्या वो गोल होगा
जहां हम पहुंचना चाहते हैं, क्या उस गोल पे पहुंच के हमें मजा आएगा, क्योंकि हमने उस राह पे चलने में एफर्ट तो किया ही है, पर वो गोल क्या हमने अपने लिए, वो लक्ष्य अपने लिए हमने तय किया था, एक ये सीख मिलती है। दूसरा, अगर आप अपना लक्ष्य पहले से ही तय कर लेते हैं तो आपको प्लानिंग करने में, आपको उस राह में चलने में जो मजा आएगा उसका तो कोई बयान ही नहीं कर सकता। और जब आप वो लक्ष्य अचीव कर लेंगे तो आपको जो खुशी मिलेगी वो बेइंतहा होगी। अब सब कुछ आपके माइंड में है, सब कुछ आपके यहाँ पे दिमाग में है, आपको अपना लक्ष्य सेट करना है या नहीं करना है, चॉइस आपकी है। पर एक बारी जब आप अपना लक्ष्य सेट कर लेंगे और उस राह पे चलेंगे, अपनी गोल सेटिंग कर लेंगे, तो आपको उस राह में चलने में बहुत 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 मजा आएगा। सो वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। आप जो अपना विचारधारा रखेंगे अपने लक्ष्य के प्रति और जो आप अपनी सोच रखेंगे, आप उसको जरूर अचीव कर पाएंगे। आप सबने सुना होगा द पावर ऑफ द माइंड, तो सब कुछ जो है वो हमारे माइंड में है। अब सबसे पहली बार हम बात करेंगे कि इसका महत्व क्या है, हम गोल क्यों सेट करेंगे। हम सबकी लाइफ में सपने हैं, हमको गोल अचीव करने हैं अपने, तो हमारे छोटे छोटे गोल हैं, बड़े बड़े गोल हैं, तो लॉन्ग टर्म गोल हैं, शॉर्ट टर्म गोल है, हम अपने मन में रखते हैं, हम सोचते हैं हम इनको अचीव करेंगे। तो हमको ऐसा सोचना है, ऐसे आपको एक एग्जांपल दूं कि एक ऊंची सी लैडर है, एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया आपको जो चाहिए चीज़, समझिए एक मेडल है, एक रिवॉर्ड है, वो पड़ा हुआ है, पर उसके लिए आपको सीढ़ी तो चढ़नी ही पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए आपको सबसे पहले, आपको वो लक्ष्य दिख रहा है वहाँ पे, उसके लिए सीढ़ी तो आप चढ़ोगे, उसके लिए आप मेहनत तो करोगे ही। तो सबसे पहले क्या रहेगा कि आपका जब गोल आपके लिए सेट होगा, क्या उसका महत्व है, एक तो आप फोकस्ड रहोगे कि हाँ मुझे इस राह पे चल के ये लक्ष्य अचीव करना है, तो आपका फोकस बना रहेगा, आपका उसमें आत्मसम्मान बढ़ेगा, आप में अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और प्रोक्रेस्टिनेशन एक इंग्लिश वर्ड है, उसका पर मैं आपको हिंदी का अगर मतलब सुनाऊं, एक दोहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन में क्या होता है, हम सोचते हैं आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जिंदगी पड़ी है, जीना है अभी बरसों, हमें ऐसा नहीं करना है। जो सही दोहा है वो क्या है, मैंने आपको क्या बोला, सॉरी, प्रोक्रेस्टिनेशन में क्या है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों। ये होता है जब हम अपनी जो भी हमें काम करना है उनको टालते जाते हैं। पर कबीर का दोहा क्या है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, भौरी करेगा कब, तो जो बाकी बचा हुआ काम है वो कब करेगा। तो आप जो भी गोल सेट करते हैं तो उसमें आप इतने ज्यादा मन तन से लग जाते हैं कि आप उसको अचीव करने के लिए लेजी नहीं रहते, आलस नहीं करते हैं, और उसको अचीव करने के लिए आप आगे बढ़ते रहते हैं। और आपका एक बार ये गोल सेट होता है तो हम सबको डर लगता है कि अरे हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर जब हम एक बार ये गोल सेट करते हैं और उसके प्रति थोड़ा 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 करके आगे बढ़ते हैं तो हमारे वो जो डर हैं वो भी कम होते जाते हैं, और हमें लगता है हाँ हम थोड़ा 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 अब अचीव कर रहे हैं। तो गोल सेटिंग के, लक्ष्य को सेट करने के, ये सब बहुत महत्व और इम्पोर्टेंस रखती है ये सब बातें, और अल्टीमेटली आप सक्सेसफुल होंगे अपनी करियर में, अपनी लाइफ में। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल।
अब ये चॉइस आपकी है। तो जब भी हम गोल सेट करते हैं तो उसके लिए एक प्लानिंग करनी बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले तो देखिए, आपको अपना एक गोल सेट करना है। आपके मन में जो सपना है, क्या आप चाहते हैं करना, वो आपको उसको पहले गोल को, लक्ष्य को सेट करना होगा। अब जब लक्ष्य सेट करेंगे उसके लिए प्लानिंग करनी होगी, और अगर हम प्लानिंग नहीं करेंगे अपने लक्ष्य के प्रति तो फेल हो सकते हैं। तो बेहतर ये है कि एक हमारा लक्ष्य होना चाहिए और हम उसके लिए प्लान करें, पूरी योजना बना के उसके प्रति हम आगे बढ़ते जाएं। अब गोल की और या लक्ष्य की एक डेफिनेशन है। गोल एक बहुत बड़ी जो राइटर है जिन्होंने लिखा है कि एक गोल एक अंत है जिसके प्रति हमें एफर्ट्स डालने हैं, हमने कार्य करना है उसके प्रति। गोल एक लक्ष्य है। तो गोल्स आर ड्रीम्स एंड वांट्स एक्सेप्ट दैट गोल इज मोर स्पेसिफिक। मतलब एक गोल क्या है, सपना है हमारा, पर एक सपना जो हम उसको एकदम दृढ़ निश्चित करके लिख दे कहीं पे, स्पेसिफिक कर दे उसकी, उसको विशिष्ट कर दे, विशेष कर दे कि ये हमें अचीव करना है। क्योंकि सपना तो मन में ही रह जाएगा, गोल जो अपने दिमाग में ही रह जाएगा, पर हमें सुबह उठ के उन गोल्स को अचीव करना है और उनको स्पेसिफिकली कहीं लिख देना है ठोस कि हमें ये पूरा करना ही है। अब आपको मैं एक और उदाहरण देती हूँ। समझिए कि आपको जाना है, आपको अहमदाबाद आना है। आपने ये गोल निश्चित कर लिया कि आपको अहमदाबाद आना है। आप सोचिए, आप फिर अब उसके बारे में प्लानिंग करेंगे। अब आपने गोल तो वो जो अंत है कि आपको अहमदाबाद पहुंचना है, आपने निश्चित कर दिया। पर आप अब आप उसके बारे में प्लानिंग करेंगे कि मैं बस से जाऊं या ट्रेन से जाऊं। फिर आप सोचेंगे कि मैं किसी के साथ जाऊं, अकेले जाऊं। फिर आप बस में या ट्रेन में बैठेंगे तो बस ड्राइवर को मालूम है, उसको भी लक्ष्य मालूम है कि मुझे अहमदाबाद पहुंचाना है। आप बस स्टॉप या स्टेशन पे भी पहुंचेंगे, आपको मालूम है मुझे इसी ट्रेन में ही बैठना है, क्योंकि यही मेरी, यही ट्रेन या यही बस मुझे अहमदाबाद तक पहुंचाएगी। और वो जब जर्नी होगी, जब वो राह में आप जितने भी टाइम रहेंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपको कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है आप उसी व्हीकल में बैठे हैं जिसमें आप अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। तो वो जर्नी में भी आपको बहुत मजा आएगा। आप आजू बाजू लोगों से बातें करेंगे, आप बाहर के अच्छे अच्छे नज़ारे देखेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि लाइफ में आपको अपना लक्ष्य या गोल सेट करना कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके लाइफ में गोल और लक्ष्य सेट नहीं होगा तो आप जिस राह पे चलेंगे वो राह आपको कंफ्यूज करती रहेगी कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। आप हमेशा अपसेट रहेंगे। पर जब आपका एक आपने गोल निश्चित कर लिया है तो आप उसकी राह पे चलेंगे, उसके बारे में प्लानिंग करेंगे, और जो वो जर्नी होगी, जो वो रास्ता होगा, वो आपको बहुत संतुष्ट करेगा, बहुत खुशी देगा कि हाँ मैं थोड़ी थोड़ी बढ़ रही हूँ अपने लक्ष्य के प्रति। और जब लक्ष्य आपको वो मिल जाएगा तो आप एक लक्ष्य पूरा कर लेंगे, फिर आप अगले लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। एक कुछ होते हैं लाइफ के लक्ष्य, कुछ होते हैं छोटे छोटे लक्ष्य, उसके लिए हम आगे अभी और आगे बात करेंगे। सो थिंक ऑफ अ गोल एज योर फाइनल डेस्टिनेशन। इफ यू डोंट नो व्हाट योर फाइनल डेस्टिनेशन इज, देयर इज नो वे टू प्लान एंड हाउ टू गेट देयर। यही मैंने आपको भी समझाया कि प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है, पर उससे पहले, सबसे पहले क्या जरूरी है, अपना गोल सेट करना। उद्देश्य क्या है गोल का? The purpose of goal is to give you something that you want to enhance your life in some way. So the most important thing you need to know about goal is that you ought to have some. आपको अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, अपनी जिंदगी को खुशहाल करना है, अपने जीवन को खुशहाल करना है,
तो उसके लिए क्या जरूरी है? गोल सेट करना, क्योंकि गोल नहीं होगा तो आप अपनी आप को अपनी जिंदगी को कैसे सुधारेंगे? तो इसके बारे में आप पहले विचार करिए, सोचिए कि मुझे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए मुझे क्या गोल सेट करना है। अब जब हम विचार करते हैं ओनिंग द गोल, मतलब ये गोल आपका खुद का होना चाहिए, किसी और ने आपके ऊपर थोपा नहीं होना चाहिए। ये सब विचार की बातें हैं। आज मैं आपसे जो बातें कर रही हूँ उसमें आपको अपने खुद के लिए सोचना है, खुद के लिए विचार करना है कि आपको क्या करना है। तो आपको ये सब बहुत ध्यान से सोचना है कि आपको अपना क्या गोल सेट करना है कि आपकी लाइफ बहुत बहुत बेहतर हो सके। अभी भी आप अच्छी लाइफ लीड कर रहे होंगे, पर हमारे हमेशा ये रहती है जिज्ञासा कि हम अपनी लाइफ को आगे और बढ़ाते रहे। तो अपने गोल अपने आप सेट करिए। आपके गोल्स जो हैं यू आप दूसरों से जरूर आप सजेशन लीजिए, ओपिनियन लीजिए, बट ऐसा नहीं है कि दूसरों से सुझाव नहीं लीजिए। जरूर जो आपके आसपास फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, आपको मदद करेंगे आपके गोल सेट करने में। पर आपको कभी ऐसा लगे कि नहीं, ये इनकी बात मुझे सही नहीं लग रही और मुझे अपना ही गोल अपने आप सेट करके और अपनी लाइफ अपने आप ही लीड करनी है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, तो अपनी गोल अपने आप सेट करेंगे। किसी के थोपे हुए गोल आप नहीं इस्तेमाल करेंगे। कई बार ये होता है हम फैमिली प्रेशर में आ जाते हैं कि हमारे मम्मी पापा या कोई भी फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव हमको बोलते हैं कि नहीं आप ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो। पर एक अपने लिए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए अपना गोल आप अपने आप सेट करिए। कंट्रोलिंग द गोल। अब जब आप गोल सेट करते हैं उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको इधर उधर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि किस तरह से मैं अपना गोल पूरा करूंगी। तो ये सब आपको अपने मन से, अपने दिमाग से, लोगों से पूछ के आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी कि आपने जो अपने लिए गोल सेट किया है उस राह पे चलने के लिए, उसकी प्लानिंग करने के लिए, क्या मैं सही राह पे चल रही हूँ। तो उसके लिए बहुत सारी नॉलेज इंफॉर्मेशन आपको अपने लिए बटोरने होंगे, बहुत सारे साधन आपको पता करने होंगे उसमें क्या बाधाएं आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप गोल सेट करेंगी और आप सोचेंगी कि मैं बस अब इस राह पे चलूंगी तो बहुत स्मूथ राह होगी। डगर में बहुत सारी बाधाएं भी आ सकती है, पर उन बाधाओं को कैसे ओवरकम करना है, उन सब बातों को भी आपको विचार करना है अपने लिए। और फ्लेक्सिबल रहना है और एकदम रियलिस्टिक रहना है। मतलब हम बोले कि हम बहुत अनरियलिस्टिक गोल बनाए जो हम अचीव ही ना कर सके, वैसा नहीं सोचना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक टाइम फ्रेम भी सेट करना होगा। आप बोले कि नहीं मैं कोई टाइम फ्रेम आप सेट नहीं करेंगे तो फिर वही हो जाएगा कि कर लूंगी, कभी जब टाइम मिलेगा तब करूंगी। तो एक टाइम फ्रेम सेट करना बहुत 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 जरूरी है कि ये मैंने अपने लिए गोल सेट कर लिया है। तो शॉर्ट टर्म गोल होगा तो आप बोलेंगे मैं एक महीने के अंदर ये पूरा कर लूंगी। लॉन्ग टर्म गोल होगा तो आप बोलेंगे नहीं मैं एक या दो साल के अंदर। ये एक डेट लिखनी आपके गोल के सामने बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता चलेगा कि कब आप उस गोल तक पहुंचेंगे। और हमेशा पॉजिटिव रहना है। जब भी आप अपना गोल सेट करेंगे तो आपको गोल थिंक बिग बोलते हैं ना, वो सोच के अपना पहले गोल सेट करना है। आपको तब ये नहीं सोचना है कि जब आप लिख रहे हैं अपना गोल कि ये मैं अचीव कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तब उस टाइम पे नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। जो आपका सपना है आपको अपना गोल वो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में लिखना है और उसके सामने एक डेट भी लगा देनी है कि ये इस टाइम तक मैं ये अचीव कर लूंगी। आप जरूर साथ साथ नोट्स बनाते जाइए जो जो आपको बात अच्छी लग रही है। इनको हम बोलते हैं फ्रेम। फ्रेम क्यों मैं आपको यहाँ बता रही हूँ,
कि आपको एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखना है, एकदम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखना है, फोकस रखना है. आप बड़ा सोचिए, अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम विचार करिए, उसको पॉजिटिवली आप कहीं लिखिए, अपने आप से पूछिए कि मैं क्या चाहती हूँ अपने आप से अगले एक साल में. ये बहुत जरूरी है. आप आज आंखें बंद करके विचार करिए कि अगले 5 साल में आज के दिन मैं कहाँ अपने आप को देखती हूँ. वो गोल आपको अपने लिए अभी सेट करना है. और वो बोलते हैं ना, थिंक बिग. धीरूभाई अंबानी का जो मोटो है वही है, थिंक बिग. और हम सबको मालूम है उनकी कहानी कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, क्योंकि उनका जो मोटो था वो था थिंक बिग. वो कभी छोटा नहीं सोचते थे, वो हमेशा बड़ा ही सोचते थे, क्योंकि सोचने में तो कोई पैसा नहीं लगेगा और हमारे मन की कोई सीमा नहीं है, हमारे दिमाग की कोई सीमा नहीं है, हम कहीं तक भी सोच सकते हैं. तो आप हमेशा फोकस रहिए और अपना सपना साकार करने के लिए पॉजिटिवली उसको कहीं लिखिए. अब जरूरी है कि एक तो हम बहुत बड़ा सपना देखते हैं, पर वो सपने को रियलिटी से भी मिलाना है. क्या वो हम जो काम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, क्या वो रियल में हम अचीव कर सकते हैं? ये सब आपकी दिमाग की सोच होगी. हम बोलते हैं ना फ्रेम ऑफ माइंड. तो ये सब आपको दिमाग में सोचना है. पहले तो मैंने फैंटेसाइज कर लिया कि मैं ये फोकस करके ये अपना सपना, बड़ा सपना अचीव करूंगी, ये मैंने विचार किया. फिर हमें सोचना है क्या ये मैं सही में अचीव कर सकती हूँ, क्या मैं इसको रियलिटी में अचीव कर सकती हूँ. तो और उसके लिए मैं कितना हार्ड वर्क कर सकती हूँ. क्योंकि देखिए, आप अपना एक कोई सपना रखेंगे, बहुत लो लेवल का भी नहीं रखना है कि आप बोले अरे ये तो बहुत आसानी से मैं कर सकती हूँ, और बहुत ऊंचा भी नहीं रखना है कि आप बीच राह में ही थक जाए कि अरे ये तो मुझसे पॉसिबल ही नहीं है. तो जो आपका लक्ष्य है, एक बैलेंस होना चाहिए कि हाँ, कि थोड़ी अच्छे से हार्ड वर्क और मेहनत करके इस सपने को मैं पूरा कर पाऊंगी. तो वो फैंटेसी और रियलिटी के बीच में एक आपको बैलेंस लाना है, एक एम रखना है. ये सब आपकी दिमाग की सोच है, फ्रेम ऑफ माइंड में आपको ये रखना है कि आपके आपको लक्ष्य को स्पेसिफिक रखना है, एकदम विशिष्ट रूप से उसको लिखना है कि एकदम सही तरीके से मैं लिख पाऊं, और फैंटेसी और रियलिटी के बीच में जो मैं बैलेंस ला पाऊं, वो आपको एम करना है. फिर मेथड क्या, कि किस तरीके से मैं अपने गोल को पूरा करूंगी, कि जो मेरी सिद्धांत हैं, जो मेरे वैल्यूज हैं, उसके हिसाब से मैं उनको प्लान करके आगे चल सकती हूँ. और अपने सच्चे मन से आपको अपनी चॉइसेस को, देखिए चॉइसेस आपके पास बहुत सारी रहेंगी, पर आपको डिसाइड करना है कि आपकी चॉइस, आप कौन सी वो चॉइस पे आगे बढ़ेंगे जिसमें आप अपने जीवन को सफल कर सके, अपने लक्ष्य को हासिल कर सके. तो आपको वो पूरा करना है गोल. तो वो उसके लिए आप क्या मेथड रखेंगे, क्या प्लानिंग रखेंगे, वो सब अभी आपको अपने दिमाग में विचार करना है. और मदद आप हमेशा सबसे मांग सकते हैं. फिर इवैल्यूएशन, जिसको हम बोलते हैं कि जब हम अपना गोल सेट करते हैं और उसकी राह पे चलते हैं, हम हर माइलस्टोन आता है, वो जो सड़क पे पत्थर लगे रहते हैं ना हर किलोमीटर पे, तो वो माइलस्टोन होता है. तो उसका एक एग्जांपल है कि हम अपना गोल सेट कर दिए, हम उसकी राह पे निकल गए, पर वो माइलस्टोन्स हमें चेक करते रहने चाहिए हर थोड़े टाइम के बाद कि क्या हम सही राह पे हैं. और हमें अगर लगे कि नहीं हम सही राह पे हैं, तो थोड़ा सा डिविएट करके, थोड़ा सा यू टर्न लेके वापस हमें आगे बढ़ना है. क्योंकि कोई भी गोल है और आपने ऐसा गोल सेट करा है जो आपके जीवन को आगे बढ़ाएगा, और थोड़ा मुश्किल है गोल, तो उसमें जरूर आप ये मत सोचिए कि बहुत राह में आपको फूल मिलेंगे. आपको अड़चने भी आएंगी, दुविधाएं भी आएंगी, आपको उनको ओवरकम करना है. और ये दुविधा ही, दुविधा जब आएंगी, ये अड़चने आएंगी,
ये ही आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। जब हमारे लाइफ में अड़चने आती हैं तो वो हमें और स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमें और अच्छा इंसान बनाती है। तो आपको फ्रेम ऑफ माइंड पहले तो बनाना पड़ेगा, गोल सेटिंग के लिए, अपना लक्ष्य को साधने के लिए पहले तो अपना आपको फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो एकदम बैठना होगा, विचार करना होगा और उसको सही रखना होगा, ताकि आप अपना एकदम सुंदर अच्छा गोल या लक्ष्य पहले तो बना सके। अब जब आप गोल सेटिंग कर लेंगे तो गोल सेटिंग के एक, आप सब स्मार्ट है, हम सब होशियार है, स्मार्ट है, तो गोल सेटिंग के लिए जब भी आप बैठेंगे और आप गोल अपना लिखेंगे तो उसमें स्मार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक होना चाहिए, एस फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब आपका गोल आपके लिए विशेष होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए। मैं आपको भी एग्जाम्पल्स देती हूँ। मेजरेबल मीन्स कि आप उसको माप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो है मेजरेबल। अचीवेबल और एक्शन ओरिएंटेड कि वो आप अचीव कर सकते हैं। रियलिस्टिक एकदम असली होना चाहिए, आपके जो सिद्धांतों के पे खरा उतरे, आपकी वैल्यूज पे खरा उतरे, आपकी लाइफ को बढ़ाए, वो वैसा रियलिस्टिक। और टाइमली का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ही है कि जब किसी गोल में आप डेट नहीं लिखेंगे तो वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो वो एक टाइम तो होना ही चाहिए गोल का। अब एग्जाम्पल मैं स्पेसिफिक का देती हूँ। कोई बोले कि मुझे अपना वजन कम करना है और मुझे हेल्दी होना है, अगर ऐसे ही गोल लिख दे तो वो कोई गोल नहीं है। गोल को स्पेसिफिक रखने के लिए आपको लिखना होगा कि मैं अपना 1 किलो वजन घटाऊंगी या मैं अपना 1 इंच वजन को कम करूंगी। ये आगे मैं आपको और उदाहरण दूंगी, पर स्पेसिफिक का मतलब समझाना ये है कि गोल एकदम सटीक होना चाहिए, एकदम विशेष और विशिष्ट होना चाहिए, कि आप उसको लिखें तो आपको समझ में आए कि हाँ बिल्कुल ये ही मुझे अचीव करना है। क्योंकि ये ऐसा बोलना कि मैं सिर्फ अपना अपने आप को फिट करूंगी, हेल्दी करूंगी, तो ये गोल नहीं हुआ, ये स्पेसिफिक नहीं हुआ। स्पेसिफिक हुआ कि हाँ जब आप लिखे बोलेंगे कि मुझे 1 इंच वजन कम करना है या 1 किलो वजन कम करना है, उसको हम स्पेसिफिक बोलते हैं। मेजरेबल, आप बोले कि मैं बहुत सारा पढ़ना चाहती हूँ, अब ये कोई गोल नहीं हुआ कि मैं तो बहुत पढ़ूंगी, ये कोई गोल नहीं है। अच्छा गोल क्या है कि हाँ मैं 1 महीने में 3 किताबें पढ़ूंगी। तो यहाँ हम मेजर कर रहे हैं कि 1 महीने में मैं 3 किताबें पढ़ूंगी, तो ये एक अच्छा गोल है, अच्छे लक्ष्य की तरह सोच है कि वो स्पेसिफिक हो और मेजरेबल हो। फिर अटेनेबल या एक्शन, अब जो भी हम गोल सेट करेंगे उसके लिए हम क्या एक्शन लेंगे वो सब लिखना भी बहुत जरूरी है। हाँ कोई बोले कि मुझे तो बहुत पढ़ना है तो मैं कभी भी टीवी नहीं देखूंगी, आप अगर ऐसा लिखेंगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि टीवी देखने का तो अब सबको शौक है। तो हम बोलेंगे ये बोलना कि मैं कभी टीवी नहीं देखूंगी, ये कोई अच्छा गोल नहीं है, ये स्मार्ट गोल या स्मार्ट लक्ष्य नहीं है। तो ए उसका ये है कि आप लिखिए कि मैं, अगर मैं 3 घंटे टीवी देखती थी, नहीं मैं सिर्फ 1/2 घंटा या 1 घंटा ही टीवी देखूंगी, कि ये एक्शन मैं करूंगी ताकि मैं अपने टाइम जो है अच्छे से सदुपयोग कर सकूं, और उसको इस तरह से मैं अपने एक्शन को मैं अटेन कर सकूं। फिर रियलिस्टिक, हम बोले कि अरे मेरे को पतला होना है, मैं ना मीठा कभी भी नहीं खाऊंगी और मुझे पीठा खाने का बहुत शौक है, तो अगर मैं स्मार्ट हूं तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं कभी भी मीठा नहीं खाऊंगी। अगर मैं रियलिस्टिक हूँ और वास्तविक रूप से मैं कुछ हासिल करनी चाहती हूँ, तो मैं बोलती अच्छा चलो मीठा खाने का शौक है पर मीठा नहीं खाऊंगी,
मीठे की जगह जब मुझे लगेगा मीठा खाने का शौक है तो मैं खजूर खा लूंगी, मैं एक छोटा सा पीस फ्रूट का खा लूंगी। तो ये है स्मार्ट होना। अब ये आर है स्मार्ट का। फिर टाइमली तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि मैं बस अपने आप को सोचूं कि मैं बिल्कुल व्यवस्थित हो जाऊंगी, मैं ऑर्गेनाइज हो जाऊंगी, ये कोई मजा नहीं है गोल सेट करने का। आप स्मार्ट है, अगर स्मार्ट गोल स्मार्ट लक्ष्य सेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप टाइम सेट करेंगे। आप बोलेंगे एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं अपना कमरा पूरा साफ कर दूंगी ताकि मैं अपना फिर आगे आने वाला काम जो है वो और अच्छे से कर सकूं। अब स्पेसिफिक मेजरेबल एक्शन ओरिएंटेड रियलिस्टिक एंड रेलेवेंट एंड टाइम बेस्ड, ये आपको लिखना है। अपने लिए स्मार्ट बनना है और स्मार्ट गोल सेट करने हैं। या मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आईटीआई में केटरिंग का भी कोर्स रहता है, राइट? सो अब चलिए मैं केटरिंग का एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप सोचते हैं कि मैं अपने लिए एक खाना बनाने की सर्विस शुरू करूंगी, मैं एक रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ, तो अब आपका ये गोल हुआ, आपने सोचा कि मैं केटरिंग का बिजनेस शुरू करती हूँ, मैं खाना पकाने का बिजनेस स्टार्ट करती हूँ। अब आप उसको वेगली लिख देंगे, अब आप समझिए इसको बहुत ध्यान से। अगर उसको वेगली लिख देंगे कि हाँ ये मेरा सपना है एक रेस्टोरेंट खोलने का, तो वो स्पेसिफिक नहीं है। आपको बैठ के विचार करना होगा उसको स्पेसिफिक कैसे लिखना है। तो आप कैसे सोचेंगे? आप सोचेंगे कि अच्छा कि मुझे घर से स्टार्ट करना है, या मैं एक छोटी सी दुकान लूंगी वहां से स्टार्ट करूंगी, मैं घर का खाना पहले सबको पहुंचाऊंगी, या फिर मैं एक छोटे से रेस्टोरेंट से स्टार्ट करूंगी, ये सब, और किसकी मैं मदद करूंगी, जिसको हम बोलते हैं ना विच व्हाट हू वेयर व्हेन व्हाई, कि मैं किस तरह का केटरिंग बिजनेस स्टार्ट करूंगी, मैं किसको अपने साथ मिलाऊंगी, मैं कहाँ कहाँ पे शुरू करूंगी, क्या पहले मैं अपने गांव से अपने टाउन से स्टार्ट करूंगी या शुरू में ही बड़ा करूंगी, वो सब आपको एकदम विशिष्ट रूप से लिखना पड़ेगा, एकदम स्पेसिफिक कि मेरा सपना है पर उसको अब मुझे साकार करने के लिए उसको स्पेसिफिक करना है। तो उसके लिए आपको वो विचार पहले लाना पड़ेगा कि मेरा जो सपना है एकदम स्पेसिफिक रहे। फिर मेजरेबल, आप सोचे मैं अपना केटरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं उसको बहुत पैसे उसमें कमाऊंगी। अब बहुत पैसे कमाना तो स्मार्ट गोल सेटिंग नहीं है, स्मार्ट विचार नहीं है। स्मार्ट विचार ये है कि आगे 6 महीने में आप लिखिए, आप आगे 6 महीने में जो भी मैंने खर्चा किया वो सब खर्चा होने के बाद मेरे पास कम से कम पहले 6 महीने में 5,000 तो बच जाए हर महीने। फिर आप सोचिए कि अगले 1 साल में मेरा बिजनेस अगर चल पड़ा केटरिंग का, तो अगले 1 साल में मैं कम से कम 10,000 बचा सकूं पूरे खर्चे निकाल के। ये होगा मेजरेबल। आप सब समझ रहे हैं राइट? अब एक्शन ओरिएंटेड और अटेनेबल, इसको हम बोलते हैं कि हम किस तरह से, क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, जो हमने पहले भी बात की थी कि सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मैं सब्जियां कहाँ से लाऊंगी, मेरा एक्शन क्या होगा, मेरा प्लान क्या होगा, क्या मैं होलसेल से लाऊंगी, रिटेल से लाऊंगी या सीधा खेत से ले आऊंगी, ये सब छोटे छोटे प्लान ऑफ एक्शन आपको लिखने पड़ेंगे। सिर्फ सब्जियों के लिए नहीं, सब चीजों के लिए, कि बर्तन कहाँ से आएंगे, गैस कहाँ से आएगी, सब कुछ, मैं किन की मदद करूंगी, किन से मदद लूंगी, सॉरी। तो ये सब आपको छोटे छोटे अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, अपने छोटे छोटे लक्ष्य हैं, एक्शन प्लान ऑफ एक्शन है अपने बड़े लक्ष्य के लिए, वो पूरा लिखने पड़ेंगे। पहले आपको बोलना होगा, आपको समझना होगा, अपने लिए सोचना होगा कि आप अपने लिए क्या करना चाहती हैं, उसके लिए क्या एक्शंस करेंगे और उसके लिए आप क्या प्लानिंग करेंगे। और हाँ,
रियलिस्टिक होना चाहिए. आप शुरू में ही सोच लें कि आपको बिजनेस शुरू करना है केटरिंग का, और आप बोले मैं तो एक शुरू में ही सोच लो मैं एक बड़ा सा रेस्टोरेंट स्टार्ट कर दूंगी, तो वो रियलिस्टिक नहीं होगा. अगर वो कर सके तो थिंक बिग इज बहुत अच्छी बात है. बट मैकडोनल्ड्स भी आप बोले मैकडोनल्ड्स की जो पूरी रेंज है, पिज्जा हट आप सब जानते होंगे, वो एक दिन में चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स नहीं बन गए थे पूरे विश्व में, वो भी छोटे से ही एक अमेरिका के टाउन से स्टार्ट हुए थे. तो सबसे पहले आपका गोल है केटरिंग का, तो आप उसको रियलिस्टिक रखेंगे. हाँ, पर इतना भी नहीं कम रखेंगे कि सोचेंगे कि वो जो मैंने आपको पहले बोला कि अरे ये तो मैं आसानी से कर लूंगी, और इतना भी बड़ा नहीं कि आप बीच राह में रुक जाएं. आपको बैलेंस रखना है कि थोड़ा सा वो आपको चैलेंज करे कि हाँ मुझे इसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और आपको राह में अड़चने भी आएंगी, आपको पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक रहना ही पड़ेगा. पर आप विचार करिए कि मैंने, अगर मैं स्मार्ट हूं, मैंने स्मार्ट गोल बनाया है और ये सब बातें मैंने लिख ली है, तो ये रियलिस्टिक गोल जब होगा तो आप इसको अच्छे से अचीव कर पाएंगे, उसके लिए स्ट्रैटेजीज बना पाएंगे. और टाइम बेस्ड, टाइम तो बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब आप गोल अपना लिखें तो सामने सबसे पहले उसके सामने एक टाइम सबसे पहले लिख दीजिए, फिर आएगा प्लान ऑफ एक्शन और बाकी सब बातें. सो टाइम लिखना बहुत जरूरी है कि आप कब तक अपना जो लक्ष्य है वो पूरा कर पाएंगे. पहले आपके लक्ष्य बोलते हैं ना, फ्रॉम स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़ा. तो आप पहले सोचे कि सपोज मैंने 6 महीने तक, तो घर से ही मैंने 6 महीने का टाइम रखा है, घर से ही मैंने अपने केटरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, मैं 6 महीने में बहुत अच्छे से चला सकी. हाँ, बाधाएं आई, अड़चने आई, पर मैंने उनको अच्छे से टैकल कर लिया, अच्छे से झेल लिया, और अब मेरा 6 महीने में केटरिंग का बिजनेस घर से अच्छे से चल रहा है. फिर वो एक लक्ष्य आपका पूरा हुआ. फिर आपने 1 साल का लक्ष्य आगे देखना है कि अगले 1 साल में, क्योंकि बढ़ते जाना है आगे, जीवन को आगे बढ़ाना है, तो अगले 1 साल में मैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट, एक छोटा सा ढाबा, वो अगर एक खोल सकी तो वो अच्छा रहेगा. फिर उसके आगे और आप सेट करिए, पर टाइम जरूर 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 सेट करिए अपने लक्ष्य के लिए. अब बात आती है विजन. विजन और गोल में क्या फर्क है? अब गोल ये है जो मैंने आपको बताया कि मैंने पहले अपना केटरिंग का बिजनेस छोटा शुरू किया घर से, फिर मैंने रेस्टोरेंट खोला, फिर मैं बोलूं कि मैं पूरे गुजरात में मेरे सारे रेस्टोरेंट्स के नाम चले, फिर पूरे हिंदुस्तान में चले, फिर मैं सोचूं पूरी दुनिया में, विश्व में चले, क्यों नहीं अगर आप सपना रखेंगे. पर वो विजन कहलाता है कि विजन क्या है, गोल क्या है, कि आपकी जिंदगी में आने वाले छोटे छोटे जो लक्ष्य है वो गोल है. पर विजन क्या है कि आपके पूरे जीवन का क्या लक्ष्य है, कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं. तो अब जो छोटे छोटे गोल होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, और जो आपके विजन होता है लाइफ का उसमें बहुत सारे गोल्स आ जाते हैं, जिसके बारे में आपको मैं बताती हूँ. फिजिकल गोल, इनको हम छोटे थोड़ा थोड़ा लेंगे, कि आप अपने मन में विचार करिए, ये आपको सबको मालूम होना चाहिए कि क्या अलग अलग प्रकार के गोल हो सकते हैं. शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल तो मैंने आपको बताए, पर अलग अलग प्रकार के आपके कौन से गोल हो सकते हैं. फिजिकल गोल, कि सबसे पहले तो बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, सबसे पहले तो आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए. आप उस सेहत को अच्छी रखने के लिए क्या कर रहे हैं, ये होते हैं फिजिकल गोल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर अब जिस उम्र में आप लोग सब हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए और आएगा कि आपका करियर, आपका व्यवसाय, बिजनेस, प्रोफेशन, उसके लिए आप क्या गोल सेट कर रहे हैं. वो आते हैं करियर गोल्स, व्यवसाय के प्रति आपके क्या गोल्स हैं. जो एग्जाम्पल मैंने आपको एक अभी केटरिंग का दिया, पर आप सब अलग अलग कोर्स कर रहे हैं ITI में, तो उसके लिए, क्योंकि आप वो स्किल्स अभी गेन कर रहे हैं, आप उसके लिए क्या गोल अपना सेट करेंगे, उस
स्किल्स को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि उसमें से आप पैसे कमा सके। ये सब आपके करियर और व्यवसाय के गोल होंगे। तो सबके गोल अलग अलग होंगे, मैंने तो आपको सिर्फ एक उदाहरण दिया है। आपको अपने गोल सेट करने होंगे अपने लिए, स्मार्ट गोल, ठीक है। फाइनेंशियल गोल, अब फाइनेंशियल गोल भी लॉन्ग टर्म गोल होते हैं कि आप कौन से कैसे घर में रहना चाहते हैं, कैसा व्हीकल चलाना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे, आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ के लिए कितना पैसा जोड़ना चाहते हैं, ये सब आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं। और ये सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन और नॉलेज तो होनी ही चाहिए। आप गर्ल्स हैं, हम मोस्टली इंडिया में क्या है कि गर्ल्स जो है वो फाइनेंस की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। पर आज मैं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि आप जिस उम्र में हैं, अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ अभी से ही ध्यान रखिए। अभी से ही जब आप थोड़ा कमाना शुरू करें, अभी से ही थोड़ा पैसा ज़रूर निकाल के जमा करके रखिए। आपको मालूम होगा या नहीं, आई डोंट नो, वॉरेन बफेट करके है, वो बोलते थे कि मैं खर्चा पहले नहीं करता हूँ, मैं पहले अपनी सेविंग करता हूँ, पहले जो मेरे को सेव करना होता है वो मैं सेव कर देता हूँ, उसके बाद जो बचता है उसका मैं खर्चा करता हूँ। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा खर्चा कर देते हैं और बाद में सोचते हैं अरे हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो कुछ खर्चा करना है और कुछ बचत करनी है। वॉरेन बफेट क्या करते थे, उल्टा, वो पहले सेव करते थे, पहले बचत करते थे, और आज वो दुनिया के एक सबसे मशहूर इन्वेस्टर है, वॉरेन बफेट। आप कभी पढ़ सकते हैं उसके बारे में। तो आपको, आप गर्ल्स को मैं खास समझाना चाहूंगी कि अपने फाइनेंशियल गोल्स के बारे में जरूर आप विचार करिए, एटलीस्ट विचार करना स्टार्ट करिए। हम सब के लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो बोलते हैं ना हमारे पिलर ऑफ स्ट्रेंथ हैं, हमारा जो हमको हिम्मत मिलती है हमारी फैमिली से मिलती है। तो हम एक ये गोल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने परिवार में कैसे अपने रिश्ते अच्छे से बना के रखें, ताकि हमारी, हम दूसरे गोल्स अपने अच्छे से, अगर हमारी फैमिली में ही द्वेष होता रहेगा, लड़ाई होती रहेगी, तो क्या हम अपने जो हमारे लाइफ को अच्छा करने के जो गोल्स हैं, क्या हम उनको अचीव करने कर पाएंगे? नहीं। तो एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये सारे गोल्स हमारी लाइफ के बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कि माहौल अपने घर का अच्छा बना के रखें, अपने रिलेशन हम अच्छे बना के रखें, कि घर में अच्छा वातावरण होगा तो हम जो अपने लाइफ को बढ़ाने के गोल्स हैं, हम उनको उसकी तरफ अच्छे से आगे बढ़ सकेंगे। तो इसके बारे में आप जरूर ध्यान करिए कि अपने घर में अच्छा माहौल बना के रखिए। फिर हम अपने आध्यात्मिक गोल्स, ये सब थोड़ी बातें बाद में आएंगी, आप लोग इस उम्र में नहीं है, पर हाँ विचार करना बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, और जैसे मेरा तो मोटो ही है कि हमेशा आप सीखते रहिए, कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहिए लाइफ में। हम ऐसा सोचे कि हम सब कुछ सीख गए हैं, हमें और कुछ नहीं सीखना, तो हमारी लाइफ का अंत है, वहाँ हम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। आपको मालूम है कि नदी बहती है तो उसमें अच्छा रहता है, सब कुछ, सब जीवन आता है, पर एक जो छोटा सा पॉन्ड है उसमें पानी पड़ा रहता है, सड़ जाता है। तो हमको एक नदी की तरह रहना है कि हम बातें, चीज़ें, स्किल्स सब सीखते रहें और अपनी सेल्फ डेवलपमेंट करते रहें। मेरे अपने जीवन में मैं आज तक कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, जैसे सरिता जी ने बताया कि अब मैं IIM का एक कोर्स कर रही हूँ। तो ऐसे कुछ ना कुछ, जब भी आपको मौका लगे, कुछ ना कुछ सीखते ही रहना चाहिए, जिसमें आपकी सेल्फ डेवलपमेंट होगी, आपकी तरक्की होगी, ये ज़रूर करते रहना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सब गोल्स है लाइफ के। प्लेजर गोल्स, आप अपने, ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम काम ही करते रहेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको अपने मनोरंजन के लिए भी गोल सेट करने हैं। ये आपके पूरी लाइफ के विजन के गोल्स हैं, छोटे 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 सब गोल्स हैं जो आपकी लाइफ को भरपूर करेंगे, आपकी लाइफ को और अच्छा करेंगे। तो आज मैंने आपको ये सारे गोल्स जो बताए हैं, वो इसीलिए बताए हैं
कि इनके बारे में आप एटलीस्ट विचार करिए. डेफिनेटली आज के दिन में जो लक्ष्य है आपका मेन इंपॉर्टेंट है वो हम सेट करेंगे, पर जो आपकी लाइफ के छोटे छोटे ये गोल्स हैं, परिवार के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपने करियर के लिए, फाइनेंस के लिए, ये सब का आपको ध्यान रखना है अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए. सोशल गोल्स, सोशल गोल्स वो कि आप अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं. आप जैसे अपना कमाई शुरू करेंगे, अपना लक्ष्य को पूरा करेंगे, आप जीवन में बहुत हासिल कर लेंगे, पर हमारा काम सिर्फ हासिल करना नहीं है, हमको अपने समाज के प्रति भी कुछ करना है, उनको देना है. और जो देने में खुशी मिलती है वो एक अलग ही तरह की खुशी होती है. तो ये सोशल गोल्स भी हमें ध्यान में रखने हैं कि हम आगे आने वाले समय में अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं. बहुत लोग बहुत कुछ समाज के लिए करते हैं, और क्यों करते हैं कि उनको उसमें एक अलग सी खुशी मिलती है. अब हम एक बहुत इम्पोर्टेंट बात पे आए हैं कि अब आप अपना पेपर निकालिए, पेंसिल निकालिए, और उसमें 2 मिनट 5 मिनट जितना आपको टाइम लेना, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप वो कुछ अपना पेपर में अपने लिए लिखिए कि क्या आप लिखना चाहें तो लिखिए, कोई ड्राइंग बनाना चाहे तो बनाइए, एक अपना लक्ष्य अभी सेट करिए. क्योंकि आई होप सब पेपर और पेन लेके बैठे हैं, मैंने आपसे खास मंगवाया था. 2 मिनट विचार करिए, एक स्मार्ट तरीके से सोचिए, जो मैंने आपको स्मार्ट गोल के बारे में बताया. कुछ एक अपना गोल लिखिए और एक टाइम लिखिए कि वो पूरा कब करेंगे. मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप अपना ड्रीम, आप अपना लक्ष्य या गोल अगर नहीं लिखेंगे तो वो अचीव नहीं होगा. जब आप अपना गोल लिख देंगे तो आपकी कमिटमेंट उसके प्रति पूरी हो जाएगी. यहाँ कमिटमेंट का वर्ड सुन के मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है मूवी का, सलमान खान का. वो क्या कहता है कि कोई बोलेगा खोल के माइक कि मैंने अपनी एक बार कमिटमेंट कर दी तो अपनी आपकी भी नहीं मैं सुनता. तो यही कमिटमेंट आपकी भी होनी चाहिए कि आप अपना गोल लिखिए और जब वो लिख दे उसको पूरा करना है आपको. सरिता जी आप देखिए, पूछिए कि सब लोग लिख रहे हैं, मैं कुछ समय दे रही हूँ. हाँ, इतना बढ़िया सेशन चल रहा है योगिता जी, आई होप सारे बच्चे लिख ही रहे होंगे. गाइस डोंट मिस आउट, क्योंकि ये आपके लाइफ अगर बदलना है तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज है. सो जैसे योगिता जी ने पहले कहा, मैम जो आपको कहा था कि पेपर और पेन लेके बैठना है, तो आप जरूर लेके बैठे होंगे, उम्मीद करती हूँ, क्योंकि जब आगे बढ़ना है ना तो ये सब करना ही पड़ेगा. तो तैयार, आई थिंक दे आर रेडी एंड यू कैन जस्ट अब लिखिएगा. और मैं अभी भी आपको बोलती हूँ, चॉइस आपकी है, पर आपको कौन सी चॉइस लेनी है ये आपको विचार करना है. सब कुछ दिमाग में है, सब कुछ मन में है. आपको अपनी लाइफ को सुधारना है तो आप अपने लक्ष्य को साधेंगे. हम सबको अर्जुन का एग्जाम्पल मालूम है कि अर्जुन ने कैसे बिना मछली को देखे मछली की आंख भेदी थी, उसका सिर्फ प्रतिबिंब देख के. तो हम तो ये स्टोरी हमें मालूम है, अर्जुन ने ये किया था, पर उसके पीछे उनकी वो मेहनत कितनी लगी होगी कि वो सटीक लक्ष्य को साध सके, आप सोच सकते हैं. तो आप लोग लिख ही रहे होंगे ऐसी उम्मीद करती हूँ, नहीं तो ना दुनिया, अगर आप नहीं लिखेंगे ना तो लाइफ में गोल गोल घूमते रहोगे, गोल नहीं लिखोगे तो. सो गोल लिखिए और फर्क देखिएगा. राइट, सो आई होप सारे लोग लिख रहे. देखो मेरे पास भी पेन और पेपर है, क्योंकि भले मैं जहां भी पहुंची हूँ अभी भी मुझे कई गोल्स हैं जो मुझे अचीव करना है. राइट, अगर मैं नहीं लिखूंगी तो नहीं चलेगा. सो मैं अपने गोल्स अभी भी लिखती हूँ. सो आई होप आपको तो बहुत अब दूर जाना है, तो जरूर लिखिएगा. आपकी जिंदगी की अभी शुरुआत है,
आप सिर्फ, मैं ये नहीं कह रही, आप सिर्फ अभी एक छोटा अपना लक्ष्य समझिए और बाद में मैं आपको बोलूंगी, क्योंकि आज इतना समय नहीं है, बाद में आप पेपर पेन लेके एक गोल बुक बनाइए, उसमें आप अपने सारे लक्ष्य लिखिए, जिसको हम माइलस्टोन बोलते हैं, सारे लक्ष्य लिखिए, उसको स्मार्ट बनाइए, उसके डेट लिखिए, उसको कैसे अचीव करना है, लिखना बहुत जरूरी है। ये आप बात मान के चलिए कि अपना गोल आपको लिखना बहुत जरूरी है। ये आप, मुझे नहीं मालूम कि आपको आज तक किसी ने बताया होगा या नहीं, पर जो जो आज अपना गोल लिख लेंगे वो उसको जरूर अचीव कर पाएंगे। फिर सबसे बड़ी बात, जब आप ये पेपर आपके पास होगा जिसमें आपने लिखा होगा या ड्राइंग बनाई होगी, आप कहीं से पेपर कटिंग लेके भी, सपोज आपको कोई व्हीकल लेना है कि आपको, मेरे को तो अच्छा ये ब्लू कलर का ही एक्टिवा लेना है, या मुझे ये ब्लू येलो कलर की ही साइकिल लेनी है, या मुझे ये वाइट कलर की ही कार लेनी है, वो स्पेसिफिक है, उसकी कटिंग निकाल के आप चिपका सकते हैं उस पेपर पे। और जब आपके पास ये पेपर रेडी होगा, आपको कहीं ऐसी जगह लगा देना है जो आपको दिखता रहे, तो वो आपको बार बार ध्यान दिलाता रहेगा कि ये लक्ष्य है मेरा, इसको मुझे पूरा करना है। Be positive. कुछ पाने की हो आस पास, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, कर दरियाओं को आर पार, आशाएं, तूफानों सब लिख रहे होंगे सोच विचार करके। Oh.
ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा आशाएं आशाएं उम्मीदें लक्ष्य गोल उन सबको पूरा करना है अब मुश्किल नहीं कुछ भी अपनी गोल बुक जरूर बनाइए अपना गोल बुक बोले विजन बोर्ड बोले विजन बोर्ड में क्या होता है आप एक चार्ट लेते हैं चार्ट पेपर थोड़ा बड़ा सा उसमें आप मैगजीन से न्यूज़पेपर से वैसी कटिंग्स निकालते हैं वो लक्ष्य के प्रति जो आपको अचीव करने होते हैं मैंने आपको बहुत सारे गोल्स आज बताए हैं अपने लाइफ के लिए आपका जो स्पेसिफिक गोल है उसको बीच में रखिए आप सबसे स्पेसिफिक आपके लिए अभी गोल है करियर के प्रति आप आगे आईटीआई में से पढ़ के अपनी स्किल्स को समझ के सीख के उसको आगे कैसे बढ़ाना चाहती हैं कैसे आप उसमें से पैसे कमाना चाहती हैं वो गोल आप सबसे बीच में रखिए विजन बोर्ड में आपको क्या करना है उसमें कुछ पिक्चर्स चित्र चिपकाने हैं वो चिपकाइए कुछ लिखना है वो लिखिए आजू बाजू आप अपने सबसे छोटे और फैमिली के लिए अपने रिलेशंस के लिए अपने फाइनेंस के लिए फाइनेंस का गोल लड़की लोग आप लोग सब बहुत समझ के जरूर दिमाग में जरूर रखना फाइनेंशियल गोल अपने ये सारे छोटे बड़े सब गोल्स उसका एक बड़ा अच्छा सा चित्र बनाइए ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ आपको बहुत मजा आएगा करने में क्योंकि ये आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं और अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए अपने जीवन को अच्छा और करने के लिए आप कर रहे हैं और उस कागज को उस चार्ट पेपर को कहीं पे ऐसा लगा के रखिए कि जहाँ आप उसको हर रोज देख सके तो वो आपको रिमाइंड भी कराता रहेगा कि यह पूरा करना है और जब आपने एक बार लिख दिया है हाँ राह में बाधाएं आती हैं मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ फूले की राह रहती है रोजी पिक्चर रहती है ऐसा नहीं है बाधाएं आती हैं पर वो मैंने आपको बताया क्या वो बाधाएं आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं जब आप वो बाधाओं के वो अड़चनों को पूरा कर लेते हैं उनके ऊपर से लांग जाते हैं तो वो आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं आप बेहतर इंसान बनते हैं थैंक यू वेरी मच Thank you so much, Yogita ji, for a wonderful session. बहुत मजा आया बहुत कुछ सीखने के लिए मिला एंड आई एम वेरी श्योर जो भी अटेंड कर रहे हैं सारे लोगों को अब लाइफ में क्या चाहिए वो और क्लियर यू नो जब आप लिखोगे तो वो और क्लियर होगा थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल सेशन एंड योर टाइम मुझे पता है आप काफी बिजी हैं और फिर भी आपने हम सबके लिए टाइम निकाला थैंक यू वेरी मच फॉर दैट गुजराती में कहावत है ना कि निशान चूक माफ नहीं माफ नीचू निशान छोटी यानी कि बहुत जैसे मैम ने कहा कि यू नो निशान चूक गया तो दैट्स ओके चलता है बट छोटा सा निशान वही लगाते हैं जिनको वो बहुत छोटी सोच रखते हैं हम मैं अगर बहुत कैजुअली बोलो उसको ऐसे हो गया ना चिरकुट लोग चिरकुट सपने देखते हैं ऐसे कहते हैं सो मेरे ख्याल से आप लोग वैसे नहीं हो यू ऑल आर ऑसम पीपल तो आप भी वैसे ही करें जैसे योगिता जी ने एक बहुत सुंदर से एक बात बताई जो है विजन बोर्ड जो हम देखते हैं कोशिश करेंगे कभी बाद में हम आपका विजन बोर्ड
देखने का मौका मिलेगा तो हम जरूर देखना चाहेंगे, और पर उसके लिए आपको सिंसियरली वो चीज करना पड़ेगा। पर यहाँ एक उदाहरण के लिए एक चीज मैं बताना चाहूंगी। मिस्टर जॉन थे, वो न्यूयॉर्क में रहते थे और बहुत मेहनत करते, काम करके करके, एंड उनका एक विजन था, लोगों को एक चाहिए था कि मुझे रेड कलर का मुझे रोल्स रॉयस चाहिए। ओके, उनका बहुत सपना था क्योंकि उनके रूम में एक रेड कलर का रोल्स रॉयस का पिक्चर था, एंड वो रोज देखते थे और उनको बहुत मजा था, ये तो मुझे चाहिए रोज यही कहते थे। एंड ऐसे हुआ कि उन्होंने बहुत मेहनत करके पैसे इकट्ठा किया और रोल्स रॉयस और फेरारी ऐसे गाड़ियां हैं जो कस्टमाइज्ड है, कस्टम मेड है, यानी कि मुझे जैसे चाहिए मैं जाके बताऊंगी, वैसे वो मैन्युफैक्चर किया जाता है। सो ये इनको जैसे चाहिए, मिस जॉन को जैसे चाहिए था, जॉन को जैसी इच्छा थी, उन्होंने जाके जब व्हेन ही वेंट, लेकिन वो गए शोरूम में और उनको बहुत, मैनेजर ने बहुत खुशी से उनको बिठाया और बोला कि बताइए सर, आप कौन से गाड़ी लेना चाहेंगे, कौन सा आपका मॉडल, कौन सा कैसा, स्पेसिफिक क्या क्या चाहिए। जैसे स्मार्ट गोल्स है ना, वैसे ही स्मार्ट में जैसे स्पेसिफिक है, ही गिव एवरीथिंग एकदम स्पेसिफिक। कलर बताया, मुझे ब्लड रेड कलर चाहिए, मुझे इसमें ऐसा चाहिए, मुझे इंटीरियर ऐसा चाहिए, उसके ना हर चीज उन्होंने बताया। तो मैनेजर ने बोला ठीक है, आपका ये जो गाड़ी है ना, आपको ये तारीख को मिल जाएगा। उन्होंने एक डेट दे दिया और बोला कि आपकी ये तारीख को आपकी गाड़ी मिल जाएगी। मिस्टर जॉन ही वाज जस्ट वेटिंग और दोस्तों को फोन करके बोले भाई बी रेडी, हम लोग उस दिन इवनिंग में हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, मेरे पास वो गाड़ी आने वाली है, मेरी ड्रीम कार, सो वी गो टुगेदर। एंड इट्स सो हैपेंड वो दिन जब गए वो लेकिन ही वाज सो एक्साइटेड कि मुझे मेरी ड्रीम कार मिलने वाली है। सो व्हेन ही रीच देयर, उनको मैनेजर बहुत खुशी से उनको बुला के उनको बोला सर अभी गाड़ी तैयार है करके, उन्होंने वो कवर हटाया पूरा वो कार के ऊपर से। जॉन ने वो देखा, जॉन बोला नहीं ये नहीं, मुझे ये कलर नहीं चाहिए था, आई सेड ब्लड रेड कलर एंड ये थोड़ा ऑरेंजिश रेड है जो मुझे नहीं चाहिए। मैनेजर थोड़ा सा परेशान हो गया कि या ऐसे आपने तो ये कलर बोला था ना, नहीं नहीं मुझे ब्लड रेड कलर चाहिए, ये कलर नहीं चाहिए, भले ये रेड है पर मुझे जो बाकी सब स्पेसिफिकेशन चाहिए पर ये नहीं। तो वो थोड़ा परेशान हो गए सर पर, लेकिन आपको तो फिर और थोड़ा दिन राह देखनी पड़ेगी, बिकॉज ऐसा नहीं कि कलर ऐसे मार दिया और ठीक हो गया, वैसा नहीं होता, इट हैज टू बी अगेन एज आई सेड वो कस्टमाइज्ड कार्स होते हैं, तो फिर से उनको पूरा कलर डिसमेंटल करके कलरिंग करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि मैं राह नहीं दिखूंगा, आपने कहा था आज मुझे डिलीवर करेंगे तो आज ही मुझे चाहिए, और मेरे दोस्त आज राह देख रहे हैं इस गाड़ी की, तो मैं लेट नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक सर, आप ऐसे कह रहे हो तो हम मैं क्या करूँ। वो थोड़ा परेशान हो गया, उन्होंने कहा कि आप इनको चाहिए चाहिए कैसे कह रहे हैं। तो सर देयर इज अ कार आप देखना चाहेंगे, पर वो बनाया है कोई काम के लिए, पर देन नोबडी यूज, कभी यूज नहीं हुआ है, ये 6-7 महीने पहले ये कार का मैन्युफैक्चरिंग हुआ था एंड वो तब से ऐसे ही है, दैट्स इन द ग्लास बॉक्स में है, एंड आप कहो तो उसको सिर्फ हमको थोड़ा सा सर्विसिंग की जरूरत है, इट्स अ न्यू कार, ब्रांड न्यू कार, बट 6-7 महीने पहले बनाया। वुड यू लाइक टू सी इट, एक बार देख लीजिए, अगर आपको वो कलर आप जो कह रहे हो शायद सेम कलर है। तो उन्होंने कहा ठीक है दिखा दो, तो मुझे डिस्काउंट चाहिए अगर ऐसा हो तो 6-7 महीने का। तो सर हम डिस्काउंट भी दे देंगे, आप एक बार देख तो लीजिए। एंड उन्होंने ऊपर से कवर निकाला और वो ग्लास बॉक्स में बड़ा सा रखा हुआ था, एंड ही वाज लाइक वाओ दिस इज द कार आई वांटेड, यही तो गाड़ी चाहिए, यही तो मैं रोज देखता हूँ, ये तो वही गाड़ी है, अरे मैं तो रोज इसको देख रहा हूँ, ऐसे उन्होंने बोला। लाइक मैनेजर बोला मतलब आप क्या कह रहे हो। तो उन्होंने जॉन ने कहा कि ये तो मैंने मेरे पास मेरे बेडरूम में है ये कार। तो बेडरूम में आपके पास कहाँ से है, एक कैलेंडर है उसमें यही फोटो है। तो उन्होंने कहा कैलेंडर आप एलजी जो कंपनी है उसके कैलेंडर की बात कर रहे हो, हाँ जो फेब्रुअरी महीने का जो है उसमें बात कर रहे हो, मंथ फेब्रुअरी मंथ का जो है वो वाला आप कह रहे हो। तो हाँ बिल्कुल क्यों, तो सर वो कंपनी ने ये गाड़ी हमसे ये उसी पिक्चर के लिए बनाई थी, उस फोटो सेशन के लिए बनाई थी, यानी कि आप रोज जो कार आपके बेडरूम में देखते हो ना वही कार आपको मिला है सर, दिस इज द सेम कार। जो योगिता जी ने आपको जो विजन बोर्ड बनाने के लिए कहा है ना, ये वही है, जब वो इतनी चाह से वो चीज को देखते हैं ना कि मुझे चाहिए 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 यही गाड़ी, और इट्स सो हैपन कि उसको वही गाड़ी मिला। आपको भी जो चाहिए ना
वैसे ही जो उन्होंने कहा कि पिक्चर फॉर्मेट में होता है ना, कोई पिक्चर में होता है ना, उसमें उसका असर बहुत ज्यादा होता है. सो आप हो सके तो ये जो भी आपको जो चीजें चाहिए वो पिक्चर लगाए. जैसे यहाँ रूही ने कहा कि मुझे सीईओ बनना है, तो मे बी सीईओ का एक सूट वूट पहन के भी चाहिए तो मैं एक फोटो खिंचवा के लगा लो. रूही आपको, आप एक कंपनी के ना सीईओ बनते हुए आपको, आप खुद देखोगे. सो सूट वूट सिला लो अभी से ही कि हो जाएगा, राइट. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव यू ऑल. एंड मुझे उम्मीद है कि आपको जो आगे आपका जो गोल सेट किया है वैसा आपको जो भी आपने चाहा है वो आपको मिल जाए. एंड हमारा नेक्स्ट सेशन होगा 5th of April एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर होगा. उसकी डिटेल हम आपको भेज देंगे. एंड राइट नाउ आई वुड लाइक निशा जी टू से समथिंग बिकॉज निशा मैम इज हियर. निशा मैम आप कुछ कहना चाहती हैं, फिर मैं ये सेशन को फिर यहाँ. आप जो बोली आज सरिता जी उससे तो मुझे शाहरुख खान का एक डायलॉग याद आता है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि जर्रे जर्रे ने तुझे मुझसे मिलाने की साजिश की है. तो ये विजन बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है. और निशा जी आप जो भी बात करना चाहिए प्लीज बताइए. किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है, सवाल पूछना है तो हम यहाँ पे 5 मिनट और हैं. बिल्कुल. निशा मैम आप कुछ कहना चाहती हैं? निशा मैम गायब हो गई. ओके आई थिंक लाइक नो नेटवर्क इशू है. अगर आपको किसी को भी कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. और एल्स आई वाइंड अप द सेशन राइट नाउ. मेरे ख्याल से कोई मैम भी शायद किसी ने कुछ लिखा है पेपर पे या कोई ड्राइंग बनाई है, कोई अपना वीडियो ऑन करके दिखाना चाहेगा? यस, किसी को शेयर, कोई शेयर करना चाहते हैं उन्होंने जो लिखा है या कोई पिक्चर एक्चुअली बनाने का कोई टाइम नहीं मिला भी होगा, अगर है तो बहुत ही अच्छा, कुछ शेयर करना चाहते हैं कुछ भी लिखा हो. क्योंकि जब आप शेयर करते हैं अपना गोल अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जब आप शेयर करते हैं तो उसमें एक ज्यादा वजन आ जाता है. क्योंकि अब आपने सबको बोल दिया है तो अब तो ये आपको पूरा करना ही है, वो कमिटमेंट तो आप पूरी करनी ही है. कोई है यहाँ पे जो ओपन करके बताएंगे अपना गोल तो हमें अच्छा लगेगा. रूही ने लिख के बताया वो बहुत अच्छा है. जी लिख के दिए रखे हैं तो भी अच्छा, या आपको रिफाइन करना चाहते हैं तो आप रिफाइन कर सकते हैं. और 5 तारीख को जब हम वापस मिलेंगे उस टाइम में आप अपना विजन बोर्ड को भी लेके आके दिखाना चाहते हैं तो बहुत खुशी होगी. और लिखा हुआ भी बहुत प्रॉपरली, जैसे मैम ने जैसे स्मार्ट SMART पूरा स्पेसिफिक यू नो, वो हर तरीके से उस तरह से अगर आप बना के हमको हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो 5th को आप तैयार रहिएगा और हम देखना जरूर चाहेंगे. एंड या फिर मैं आपको नंबर चाहिए हमारा किसी का भी तो हम लोग शेयर कर लेंगे. एंड आपके मैम से ले सकते हैं और आप हमें अपने हमारे व्हाट्सएप पे भेजना चाहते तो भी हम खुशी से देखेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा. सो योगिता जी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. यस वी आर मीटिंग अगेन एट 3 o'clock. बॉयज का सेशन है जहां बॉयज अटेंड करने वाले हैं ये हमारा सेशंस. एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू अगेन एट 3 o'clock. And glad to have Shachi ji here. Then I have Nisha ji. आप आई हैं, आप बात कुछ कहना चाहती हैं? Yes, actually sorry, थोड़ा internet issue था, network issue था इसलिए. Yes, योगिता मैम को मैं thank you very much बोलना चाहूंगी. हमारे जो girls हैं, जो students हैं, वो काफी इंस्पायर हुई हैं काफी सारी चीजें. और अभी पेंडेमिक जो कोविड की सिचुएशन है उसमें ये सब चीजें बहुत ही मायने रखती है स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए. लाइक सो कंसर्न ये है कि इतनी बड़ी सिचुएशन है कोविड की, फिर भी हम काम कर रहे हैं. लाइक फिर भी अभी जहां पर जो भी स्टूडेंट्स है, स्टार्टिंग में हमारे साथ 31 स्टूडेंट्स थे और एंड ऑफ द सेशन 20 है. इट्स मींस कि जो भी 20 स्टूडेंट्स अवेलेबल है यहाँ पर, इनका खुद का कुछ गोल है इसीलिए वो यहाँ तक रुके हैं. राइट, तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर रुके हैं उनके लिए थैंक यू वेरी मच. और आप जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी हमारे आपके क्लासमेट जो है, जो बॉयज हैं, उनको भी सजेस्ट कीजिए कि आज का जो सेशन है आफ्टरनून का वो अटेंड करें, ताकि इस तरह से ही हमें आगे बढ़ना है.
जिनको आगे बढ़ना है उनके लिए कोई रास्ता आसान कठिन नहीं है। दशरथ मांझी का नाम सुना होगा आप सभी ने। दशरथ मांझी ने बहुत बड़ा पहाड़ खोद के रास्ता निकाला था, बिकॉज ऑफ उनकी उनकी वाइफ जो है वो बीमार थी और हॉस्पिटल ले जाने के टाइम ले जाने तक वो एक्सपायर हो गई थी, गुजर गई थी। तो वो नहीं चाहते थे कि कोई और ये प्रॉब्लम फेस करे। उन्होंने अकेले बहुत बड़ा पहाड़ खोद के आगे रास्ता निकाला था। तो हमारे पास तो बहुत सारा टाइम है, आपके पास सबके पास टेक्नोलॉजी है, तो उसका यूज कीजिए, गोल्स बनाइए और ड्रीम्स हमेशा देखने चाहिए, वो चाहे वो छोटा हो या बड़ा। छोटे छोटे ड्रीम देख के कंप्लीट करोगे तब जाके आपका जो अचीवमेंट है ना, जो बड़ा अचीवमेंट है वो आप कंप्लीट कर पाओगे। कहीं ना कहीं मेरा भी कोई ड्रीम है, मेरा भी कोई लक्ष्य है, सरिता मैम का भी होगा, योगिता मैम का भी होगा। ईच एंड एवरी पर्सन हैज बीन डिफरेंट गोल, हैज बीन डिफरेंट स्टेटस, राइट। आप सब तो जो एज में हो ना, वो एज में आप जब हमारी एज में आओगे तो शायद आपने अभी से ये प्लान किए होंगे तो आपके जो गोल्स है वो अचीव हो जाएंगे, राइट। यस, थैंक यू वेरी मच योगिता मैम, हम आफ्टरनून में फिर से मिलेंगे। एंड थैंक यू सरिता मैम, एक हमारी गर्ल्स के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपने यहाँ पर अरेंज की और उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सो हैव गुड टाइम, स्टे सेफ, सब लोग घर पे रहेगा और ध्यान रखिएगा अपना, और जान है तो जहान है, और कोविड है अभी भी, तो ध्यान रखिएगा अपना सेहत का, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा, इम्यूनिटी बढ़ाइएगा एंड स्माइल करते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, एंड योगिता जी सी यू एट 3 o'clock वंस अगेन। अरिता जी, अंत करने से पहले जो सब एक घंटा बात हुई, लड़कियों आप सब लिख लो, एक फॉर्मूला मैं आपको दे रही हूँ अपने लक्ष्य को लिखने का। सबसे पहले लक्ष्य, 5 चीजें हैं, लक्ष्य को लिख लो, फिर उसके सामने सेकेंड बात है डेट लिख दो, फिर थर्ड उसमें जो बाधाएं आएंगी वो लिखना बहुत जरूरी है, तीसरी बात क्योंकि पहले से बाधाएं मालूम होंगी तो वो आप उसको अच्छे से संभाल सकेंगे, फिर चौथी बात इनमें आप किन किन लोगों की मदद ले सकते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अकेले आप कुछ कर सकेंगे, अगर हम बोलते हैं ना एक और एक दो ने एक और एक 11, तो आप किन किन लोगों की मदद ले सकते हैं वो लिखिए, और पांचवी बात की प्लान ऑफ एक्शन, जो जो उस लक्ष्य, जैसे रूही ने बोला कि उसको CEO बनना है तो वो लिखा, पर उसके लिए वो इन अभी 2026 सालों में उनको CEO बनना है, तो इन 6 सालों में उनको छोटे 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 प्लान ऑफ एक्शन या छोटे छोटे उसके लिए लक्ष्य क्या पूरे करने हैं, अपनी ग्रूमिंग कैसे करनी है, अपनी पढ़ाई कैसे करनी है, अपने आप का पूरा एटिकेट और बिहेवियर कैसे और सुधारना है, अपनी नॉलेज कैसे इनहेंस करनी है, वो छोटे 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 लक्ष्य जब अचीव होंगे तो वो प्लान ऑफ एक्शन बहुत जरूरी है। तो ये 5 चीजें जरूर ध्यान में रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। यस, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय बाय।